Good morning to all, my dear little kids. Today I am going to explain you about the chapter, the bubble, the straw, and the shoe. Children, I think this chapter name is not, not related to your chapter because in current book Mary Gold the chapter name is the bubble and the straw, but it is. correlate to the chapters that is given in the book now so we will explain you about the bubble the straw once upon a time there lived a bubble a straw and a shoe ek baar kya hota tha ek bubble bubble kehte hain जो लिक्विड का बना रहता है ना जिसे हम कहते हैं लाइका गुब्बारा Okay. एक स्ट्रॉ स्ट्रॉ मीन्स जिससे सिप लेकर हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं स्ट्रॉ एंड अ शो एज यू कैन गिवन इन द पिक्चर दैट इज द स्टोरी बेस्ड ऑन थ्री फ्रेंड्स हु आर लिव्ड इन अ वेज दैट इज़ अ बबल स्ट्रॉ एंड अ शो वन डे देंट इन टू द फॉरेस्ट एक दिन क्या होता है वो जंगल में जाते हैं दे किम टू अ रिवर तो रास्ते में पासिंग थ्रो ऑन द वे रास्ते में एक रिवर पड़ती है दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट अब उन तीनों फ्रेंड्स को ही नहीं मालूम होता है कि उसको वो कैसे क्रॉस करनी है तो तीनों अपना अपना सजेशंस वन बाई वन देते हैं किस तरह से तो देन आई विल डिस्कस इन द चैप्टर अबाउट सम वेज ऑफ द थ्री फ्रेंड्स फर्स्ट द शू सेट बबल लेट्स फ्लॉट ऑन यू तो शू कहते हैं शू सबसे ज़्यादा क्लेवर माइंडेड होता है इसमें तो शू क्या कहता है कि बबल आप फ्लोट मिस होता है तैरना ओके सेलिंग इन द वाटर तो वो बबल से कहता है कि आप मुझे हम सबको तैरा लो क्योंकि आप बहुत लाइट वेट में हो एंड यू कैन फ्लोट इन द रिवर नो शू लेट्स स्टॉप स्ट्रेच हिमसेल्फ़ फ्रॉम वन बैक टू द अदर अब जो बबल्स होता है वो भी क्या होता है क्लेवर माइंडेड होता है अब वो क्या सोचता है कि अगर मैं फ्लोट करूँगा अगर मैं तैरूँगा पानी में तो मैं क्या करूँगा बस्ट हो जाऊँगा फट जाऊँगा तो वो कहता है नहीं शू एक काम करते हैं स्ट्रॉ से कहते हैं क्योंकि स्ट्रॉ बहुत लंबा भी है और वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर लाई का ब्रिज का वर्क करेगा और उस पर से हम क्रॉस कर पाएंगे एज यू कैन इन द पिक्चर that three friends are talking about how to cross the river okay next then we can cross the river so the straw stretched himself from one bank to other ab straw ne kya kiya straw to tha bahut zyada seedha saada tha okay not like a strange man तो उसने क्या किया दोनों friends की बात मानी और वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर उसने लिटा लिया जैसे कि स्ट्रॉ को रख देते हैं दो किनारों के बीच में वेन द शू जम्प्ट ऑन द स्ट्रॉ अब उसने बोला कि ठीक है शूज़ ने कि पहले मैं क्रॉस करूँगा ओके आई विल क्रॉस द रिवर तो देन द शू जम्प्ट ऑन द स्ट्रॉ शू ने जैसे ही स्ट्रॉ पे जम्प्ट किया बट जो स्ट्रॉ था वो तो बहुत लाइट वेट था जैसे ही शू ने जम्प किया इट हैज बी ब्रॉक कॉन वो क्या किया टूट गया एंड द शू फॉल इन टू द वॉटर विद अ लाउड स्प्लैश लाउड स्प्लैश मीन्स जो पानी में जो चीज़ गिरती है ना तो उससे बहुत जोर से आवाज़ आती है ना छपाक सेम एज तो शू जो था वो पानी में गिर गया और बहुत लाउड साउंड आई स्प्लैश द बबल्स शॉक एंड शॉक विथ लाफ्टर एंड बर्ड्स विद अ बिग बैंग अब क्या हुआ जो बबल्स था वो इतनी ज़ोर से हँसा उसको इतना शॉक लगा जैसे ही वो शू पानी में गिरा तो इतनी शौक लगा कि वो जोर से हरसा उससे क्या हुआ कि जो बिग बैंग कहते हैं खुशी की वजह से तो वो बस्ट हो गया ओके okay? लाइक like जैसे एक बैलून होता है बैलून में अगर ज़्यादा हवा हम भर देते हैं तो इट विल बी बस्ट ना सेम तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर थ्री फ्रेंड्स वर वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे वर नॉट क्रॉसिंग द रिवर ओके next i hope you will clear all the topic and enjoy this story you will learn again at home thank you goodbye